ये फाइबर फाइबर खींच। हाँ अब बनी बात ये। शाबाश। राम राम जी। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम विपिन देसी फिटनेस की मेन ब्रांच में और आज मेरे साथ है विपिन भैया और आगे की इन्फॉर्मेशन विपिन भैया देंगे। तो जैसा कि आप सभी की काफ़ी ज़्यादा कमेंट आई हुई थी, काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई हुई थी और आप लोगों ने पूछा था कि भाई अपना वर्कआउट शेड्यूल बताओ, ठीक है जी। तो अभी हम जो सीरीज़ शुरू करने वाले हैं इसका नाम है माई वर्कआउट सीरीज़। तो अभी तक मैं मयंक का वर्कआउट बता रहा था, जो बिगनर्स थे उन सभी का वर्कआउट बता रहा था, लेकिन सभी ने कहा कि भाई आप अपना वर्कआउट बताओ कि आप क्या वर्कआउट करते हो, क्या आपका वर्कआउट शेड्यूल होता है, आप किस दिन अपने किस बॉडी पार्ट को ट्रेन करते हो। तो आज है मंगलवार, मतलब ट्यूसडे, ठीक है जी। तो आज मैं अपनी चेस्ट को ट्रेन कर रहा हूँ और चेस्ट में अभी मैंने वार्म अप कर लिया है, ठीक है जी। तो अभी हम आपको वार्म अप भी करके दिखाएंगे। तो जो भाई जो बिगिनर्स हैं अभी हम डायरेक्ट पहले आपको ये तो वार्म अप की एक्सरसाइज बताएंगे, उसके बाद हम वर्कआउट शुरू करेंगे, ठीक है जी। तो आज जो मैं आपको वर्कआउट बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ मैं अपना वर्कआउट। तो यहाँ पे जो बिगिनर्स भाई हैं वो अगर शुरू कर रहे हैं तो पहले आप लोग अपनी स्ट्रेंथ बिल्डअप कर लें और जब आप लोगों की स्ट्रेंथ अच्छी हो जाती है, जैसा वर्कआउट मैंने पीछे डाला हुआ है, पहले आप लोग वो वर्कआउट करें, उसके बाद आप इस सीरीज़ को फॉलो करें, ठीक है जी। तो ये सीरीज आज हम शुरू करने वाले हैं और इसमें जितना भी वर्कआउट रहेगा वो हमारा रहेगा थोड़ा एडवांस लेवल, ठीक है जी। तो इसके अंदर आप लोग करें लाइट वेट से शुरू, मैं थोड़ा सा हैवी वेट से शुरू कर रहा हूँ, आप लोगों को लाइट वेट से शुरू करना है, ठीक है जी। तो मैं विपिन, ये मयंक, चलिए आइए शुरू करें। तो चलिए जी अभी हम शुरू करते हैं अपना वार्म अप। और वार्म अप में मेनली हमने पिछली वीडियो में जैसे डाला था, तो हम दो तीन एक्सरसाइज यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, जिसमें हमारी पहली एक्सरसाइज होगी वो हम लगाएंगे चिनअप्स या पुलअप्स। और चिनअप्स पुलअप्स हम बैक के साथ नहीं लगाएंगे बल्कि चेस्ट के साथ लगाएंगे हम, है ना। अपने जो आर्म्स को लेके जाएंगे ना तो हम ऊपर नहीं लेके जाएंगे, हम हाफ लेके जाएंगे। मैं तीन चार रेपिटेशन लगा के बता दे, क्योंकि हमने ना वार्म अप कर लिया है, वीडियो थोड़ी लंबी चली जाएगी, इसलिए हम एक बार स्ट्रेचिंग की ओर जो पहले बताई थी, पहले वो लगा ले एक बार, फिर स्ट्रेचिंग करा ले। चल तीन चार रेपिटेशन लगा ले एक बार। तो यहाँ पे हम जो रेपिटेशन है वो आपको कम लगा के बता रहे हैं, ठीक है जी आपको। और जो जो बिगिनर्स हैं आप लोग 10 से 15 के बीच में लगा सकते हैं। चल भाई शुरू कर। चल आप नीचे बस ये, ठीक है जी। ये अपनी चेस्ट को आपको स्ट्रेच करना है पूरा खींच के। चल बढ़िया, ये बहुत अच्छे। ऊपर नहीं जाना है, बैक को होल्ड नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपकी चेस्ट की ट्रेन होगी यहाँ पे, ये बढ़िया। तो इसको आप मेनली यूज़ कर सकते हैं अपने चेस्ट की मसल्स की स्ट्रेचिंग के अंदर। तो ये हमारा पहला वर्कआउट हो गया, अभी हम करेंगे दूसरा वर्कआउट। चल मैं तो स्ट्रेचिंग कर दे मशीन के ऊपर, ये बहुत अच्छे फील कर, और बढ़िया। चल तो आपको गलती क्या करते हैं, जैसे तो शुरू में कर रहा था गलती करी एक बार, ये हाँ ये ऐसे नहीं खींचना है, शोल्डर में इंजीज हो जाएगी, पूरा घूमना है आपको, घूम आप ये घूमेंगे तो आपकी मसल्स अब होल्ड है यहाँ पे शोल्डर की, थोड़ी इधर हो जाते हैं ना, थोड़ा सामने रहना है। हाँ थोड़ा सामने रहना स्ट्रेट, ज़्यादा ना इधर रहना ना इधर रहना है, ताकि आपकी जो मसल्स है चेस्ट की वो इसके अंदर स्ट्रेच हो, ठीक है जी। अभी लगा दे एक बार पुशअप्स, लगा दे तीन चार रेपिटेशन, पहले पुशअप्स लगा ले फिर कर ले। चल शाबाश तीनों वाले। हाँ थोड़ी सी वाइड का हल्की सी वाइड। तो यहाँ पे हम लगा के बता रहे हैं आपको पुशअप्स, और पुशअप्स रहेगी हमारी तीन फॉर्म में। चल पांच पांच लगा रेपिटेशन चेंज कर, पहले थी हमारी क्लोज, अब करेंगे थोड़ी सी वाइड हम। चल शाबाश, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे जो रेपिटेशन है वो आपको कम करके बता रहे हैं, अब हमने थोड़ा और वाइड किया है, ये थर्ड स्टेप है, थोड़ा और वाइड किया है। चल शाबाश, 5 4 3 2 1। तो जी ये हो गया हमारा वार्म अप। इसके अंदर मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट लेके चल रहा हूँ, ठीक है जी, क्योंकि वार्म अप आपका जरूरी है, जो बिगिनर्स हैं आप लोग वार्म अप जरूर करें, अगर आप वार्म अप नहीं करेंगे तो आपको इंजरीज के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है जी। तो अभी वार्म अप हमारा हो गया, एक बस स्ट्रेच आउट करना फ्रंट वाले। चल अब बात आती है कि रेपिटेशन क्या करने हैं, तो मैं आपको बता दूं आप कोई भी वर्कआउट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग 15 से 20 मिनट के बीच में अपना वार्म अप जरूर करें, ताकि आप जिस भी मसल्स को ट्रेन कर रहे हैं आपकी उस मसल्स को ये पता होना चाहिए कि आज मैं ट्रेन होने वाली हूँ, आज मेरा नंबर है। चाहे आप किसी मसल्स को कर रहे हैं तो उसको पहले जगाना जरूरी है, उसको उठाओ, सॉरी है वो, ठीक है। चलो बढ़िया, जग गई भाई। हाँ जी बिल्कुल। हाँ अभी हमने जगा दिया उसको, और रेपिटेशन आपकी 10 से 15 के बीच में रहेगी, सेट आप 3 लगा सकते हैं जो बिगिनर्स हैं। तो वार्म अप हमारा हो चुका है, अब हम अपना लगाएंगे एडवांस वर्कआउट, अभी शुरू करते हैं। तो अभी हम कर रहे हैं यहाँ पे रेपिटेशन रहेगी हमारी, और हम 3 एक्सरसाइज को करेंगे जिसको हम बोलते हैं सुपर सेट, 3 एक्सरसाइज हम कंटिन्यू करेंगे। अभी शुरू करते हैं हम इंक्लाइन बेंच प्रेस से, ठीक है जी।
वेट मैं अगेन आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा हैवी ले रहा हूँ, आप लोगों को लाइट वेट से शुरू करना है, क्यों भाई? हाँ जी, और बैकग्राउंड वो इस पे ध्यान ना दे, ठीक है जी? अगेन बैकग्राउंड को इस पे ध्यान ना दे, जो काम की बातें हैं उस पे ध्यान दे, क्योंकि हम आउटडोर में वीडियो शूट कर रहे हैं तो आप लोगों को पता है कि कहीं ना कहीं से साउंड जरूर आएगा, और नेचुरल चीजें दिखना और होना बहुत जरूरी है। चलो, तो अभी जो है हम आप लोगों को दोनों करके बताएंगे, पहले मैं लगाऊंगा एक सेट मैंक लगाएगा, अभी हम एक एक सेट आपको करके बता रहे हैं। अगर हम तीन तीन चार चार सेट लगाएंगे तो वीडियो शायद एक घंटे के पार चली जाएगी, है ना, एक घंटा नहीं तो 45 मिनट तो निकल ही जाएंगे, ठीक है जी? तो अभी हम आपको एक एक सेट करके बता रहे हैं, आप पोजिशन देखिए, रेपिटेशन हम किस तरीके से लगा रहे हैं वो सब आपको देखना है। और अगेन मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर सारी चीज़ें हमारी पूरी देसी जुगाड़ से बनाई गई है, होममेड इक्विपमेंट सारे बनाए गए हैं, तो जो भी लॉकडाउन में अभी आप लोग घर हैं तो आप लोग भी ऐसी चीज़ें बना सकते हैं। चलिए, रेपिटेशन आपको लाइट वेट से शुरू करना है, और आपको बता दूं रेपिटेशन आपके 20 रहेंगे, मैंने 10 लगाए हैं अभी, तो आप लोगों को 20 लगाने, क्योंकि मैं अभी अपनी चेस्ट को ट्रेन कर चुका हूं, इस वर्कआउट को कर चुका हूं। अभी मैंक लगाएगा, अगेन मैंक के वर्कआउट में हम वेट को थोड़ा कम करेंगे, ठीक है, डिक्रीज करेंगे अभी वेट को। चल तो अभी लगा रहा है मैंक, तो हम साथ में अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं। चल भाई, चल, और अगेन ध्यान रहे 10 रैप लगा, अगेन ध्यान रहे आप अपनी जिस भी मसल्स को ट्रेन कर रहे हैं उस मसल्स को फील करना जरूरी है, आपकी माइंड का और आपकी मसल्स का कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, मस्ट है। अगर आप ध्यान कहीं और है और वर्कआउट कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है ऐसा वर्कआउट करने का, ठीक है जी? फील करके लगाओ। चल बेटे, गुड, शाबाश, दम है, चल चल, ओके, ठीक है जी? तो ये हमारी इंक्लाइन बेंच प्रेस थी, तो अगेन मैं आपको बता रहा हूँ सुपर सेट हम इसके अंदर अभी लगाएंगे, तो ये तो मैं आपको एक वार्म अप सेट के अंदर ही आप लोग इसको लेके चले, अभी तीनों एक्सरसाइज हम कंटिन्यू लगाएंगे, ठीक है? शुरू करते हैं, पहला रहेगा हमारा इंक्लाइन, दूसरा रहेगा हमारा डंबल फ्लाई, और तीसरा रहेगा हमारा फ्रंट डंबल, ठीक है? चेस्ट पे शुरू करते हैं, चलो भाई, भाई का भी दिखाओ वेट डालना, भाई ने वेट डाला है। चलो जी शुरू करते हैं, अभी रहेंगे सुपर सेट और तीनों एक्सरसाइज हम एक साथ करेंगे, एक डंबल और गया हूँ। तो यहाँ पे एक अच्छी चीज ये है कि आपके डंबल पे रेत भी लगा होगा, तो साथ साथ आप रेत का भी टेस्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है जी? चलो बढ़िया, तो यहाँ पे हमने इंक्लूड की तीन एक्सरसाइज, अब मैं कराएगा करेगा तो इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपकी क्या पोजीशन रहेगी। चल भाई शुरू कर, चल दम लगा के,
चलो जी, इसमें ध्यान रहे कि आपकी जो ग्रिप है वो ना तो ज़्यादा वाइड होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा क्लोज होनी चाहिए। जैसा कि मैं आपको चेस्ट वर्कआउट के दौरान आपको हर एक्सरसाइज में बताता हूँ, आपकी जो ग्रिप है वो मीडियम होनी चाहिए ताकि आपकी जो चेस्ट की मसल्स है पूरा इफेक्ट उसी के ऊपर पड़े, आपके शोल्डर में इंजरीज ना हो। चल बेटे कितने, पहली एक्सरसाइज हमारी हो गई है, रेपिटेशन हमने 10 लगाए हैं, इसकी पोजीशन बता दिए क्या रहेगी। चल भैया दूसरा लगा, चल शाबाश। इसमें भी काफी भाई जो गलती करते हैं ना, शोल्डर को एक बार तो पीछे लेके आए बिल्कुल, काफी बार तो बिल्कुल पीछे लेके आते हैं, फिर काफी ज्यादा आगे लेके जाते हैं। तो आप लोगों को ये नहीं करना है, यहाँ पे ये शोल्डर की एक्सरसाइज नहीं है, आपकी चेस्ट की एक्सरसाइज है। तो चेस्ट को पूरा फील करना है, ये देखिए ये, ठीक है जी, पूरा स्ट्रेच करें, ऊपर आके स्क्वीज करें, अगेंस्ट स्ट्रेच अगेंस्ट स्क्वीज। चल शाबाश, बढ़िया। कोशिश करें कि आप अपने डंबल को जब नीचे लेके जा रहे हैं तो अपनी चेस्ट से ही नीचे लेके जाएं, ना कि शोल्डर से। शोल्डर से लेके जाएंगे, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, जिस मसल्स को आप ट्रेन कर रहे हैं उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। चल बेटे, चल फील कर, फील कर, फील कर, गुड। कितने हो गए, चल 8, टू मोर खींच के, बढ़िया, वन मोर। चल चेंज कर, और ये हमारी चेस्ट की सबसे बेस्ट और बेहतरीन एक्सरसाइज मैं मानता हूँ। क्यों मैं तगड़ा पंप आता है इसमें, चल तू भी रेत का थोड़ा मजा ले ले, कोई दिक्कत नहीं। चल हाँ, आप कोशिश रहे जब आप नीचे लेके जाएं तो आपकी जो कलाई है ना वो अंदर बैंड हो जानी चाहिए। अब देखो लेके जाएगा मैं कर, ये जितनी बैंड होगी आपकी चेस्ट की मसल्स उतनी ही अच्छी ट्रेन होगी। चल नीचे बैंड, ऊपर फिर सीधा, ये फिर बैंड, फिर सीधा, और डंबल आपके दोनों टच रहेंगे, पूरा फोकस होना चाहिए। अगर थोड़ा सा फोकस हटा तो आपको इंजरीज हो सकती है, दोनों डंबल आपस में क्रॉस होंगे और इंजरीज हो जाएगी। ठीक है, हम लाइट वेट से कर रहे हैं, आप अगर हैवी वेट से कोई करेगा तो इसमें इंजरी हो जाएगी, लाइट वेट से शुरू कर रहे हैं अभी हम। चल भाई बहुत अच्छे, चल बैठते, शाबाश हो गए। ठीक है जी, तो ये तो थी हमारी पहली एक्सरसाइज चेस्ट की, जिसके अंदर हमने इंक्लूड की अपनी 3 एक्सरसाइज। ठीक है जी, तो एक बार चेस्ट फ्लेक्स कर ले एक बार, हाँ खींच के, ये बढ़िया। चल भाई दूसरे चलते हैं, वहाँ पे अलग अलग, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं अपनी सेकंड एक्सरसाइज, और ये हमारा रहेगा दूसरा सुपर सेट। पहले सुपर सेट में हमने इंक्लूड किया था 3 एक्सरसाइज को, और अगेन दूसरे सुपर सेट में हम इंक्लूड कर रहे हैं अगेन 3 एक्सरसाइज। ठीक है, टोटल होगा, हो जाएगी हमारी 6 एक्सरसाइज। तो आज की वीडियो में हम आप लोगों को इतना ही बताने वाले हैं, तो ये एक्सरसाइज आप लोग अंत तक देखें, लास्ट तक देखें, और आप लोग देखेंगे चेस्ट के अंदर काफ़ी तगड़ी पंपिंग आने वाली है, मसल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छी होने वाली है। करें भाई शुरू, उठवा दूँ, चल। और अगेन मैं आपको बता दूँ, हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं लाइट वेट से, 7 kg वन साइड। ठीक है जी, 14 kg की प्लेट हमने डाली हुई है इसके अंदर वेट, और तकरीबन 15 kg की हमारी होगी रोड। तो हमारा 40-45 kg से हम अभी शुरू कर रहे हैं मैंग का। चल भाई, तो जो बिगिनर्स हैं लाइट वेट से शुरू करें। चल शाबाश, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे हम रेपिटेशन लगा रहे हैं 10, और आप लोग 20 तक लेकर जा सकते हैं, जैसे ही आपकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है। चल सेकंड एक्सरसाइज ले, पहली बेंच प्रेस, अब दूसरी हमारी होगी डंबल प्रेस। चल भाई गुड, और ध्यान रहे आप लोगों का पोस्चर मस्ट है, पोस्चर अच्छा होना चाहिए, पोस्चर अच्छा है तो ही आप लोगों की जो आप जिस मसल्स को ट्रेन करना चाहते हैं, जिस एक्सरसाइज को लगाना चाहते हैं, वो परफेक्ट तरीके से लगेगी। चल भाई, हाँ ये वाला, चल नहीं नहीं नॉर्मल का बस, चल चल बढ़िया। चल कोशिश कर डंबल ना नीचे आए, जब ज़्यादा वाइड ना जाए, चल थोड़े से, हाँ बस, चल चल ये बहुत अच्छे, ऊपर लेके आ रहे हैं पूरा फ्लेक्स करें, नीचे लेके आ रहे हैं पूरा स्ट्रेच करें। चल 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 गुड, रेपिटेशन हम लगा रहे हैं 10-10, आप लोग 20 तक लगा सकते हैं। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, हम टाइम थोड़ा कम करने की वजह से हम थोड़ा रेपिटेशन कम लगा रहे हैं, ताकि आप लोगों को पोजिशन तरीके से पता लग जाए। ओके चल चेंज कर, ये जब हमने लगाए थे इंक्लाइन पे डंबल फ्लाई, अब हम लगा रहे हैं नॉर्मल बेंच पे। चल भाई चल चल चल, ये बढ़िया, अब बनेगी बात। चल 2, 3, 4, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जब हम ऊपर लेके आ रहे हैं डंबल को, तो सिर्फ और सिर्फ हमारी चेस्ट की मसल से ट्रेन हो रही है, ना कि हमारे शोल्डर ट्रेन हो रहे हैं। ये गलती आप लोग ना करें, चेस्ट से ही खींच के लेके आए, चेस्ट की मसल से ही पूरा फ्लेक्स करना है ऊपर। ये कितने हो गए, 8, 2 मोर, चल बेटे 9, 1 मोर, शाबाश, चल रख दे ये
तो अभी हमने इस जो आज का वर्कआउट है इसके अंदर आप लोगों को दो ही वर्कआउट बताए हैं जो हमारे सुपर सेट में, जिसके अंदर हमारी टोटल एक्सरसाइज होगी 6। एक बार फ्लेक्स कर खींच के चल, हाँ चेस्ट पे चल चल चल, बढ़िया ये सामने ये खींच के रख, खींच के रख, ये फाइबर फाइबर खींच, हाँ अब बनी बात, ये शाबाश। ठीक है जी, तो ये वर्कआउट शेड्यूल रहेगा। मैंने अभी ये सेट नहीं लगाया क्योंकि वीडियो ना 20 मिनट तक खींच जाता, तो इसलिए मैंने बताया कि मैंग लगा के दिखाए इसके अंदर। अभी मैं भी अपना वर्कआउट इसके अंदर अभी शुरू करूंगा, पूरा वर्कआउट फिनिश करेंगे, ऐसी बात नहीं है। ठीक है जी, तो आप लोग अपना ये वर्कआउट कर सकते हैं अगर आप अभी लॉकडाउन में घर पे है, होममेड इक्विपमेंट आप लोगों ने बनाए हुए हैं तो। ठीक है जी, तो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो के साथ, और उम्मीद करते हैं हमारे इस वर्कआउट से आप सभी को काफ़ी ज़्यादा हेल्प पहुँचने वाली है। रिजल्ट आप लोगों के सामने, अभी आप लोगों के सामने ही वर्कआउट हमने किया है, अभी और भी करना बाकी है। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो के साथ, और आप लोग हमें हमारे दूसरे YouTube चैनल पर जरूर जाएं, वहाँ पे चेक करें अंडर 18 फिटनेस, और हमारा Instagram अकाउंट है वहाँ पे भी आप लोग हमें फॉलो करें। क्या है Instagram अकाउंट? भाई का विपिन यादव ऑफिशियल, और मेरा है मैं 2001। ठीक है जी, तो तीनों चीजों के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो के साथ, आप सभी को बहुत सारा प्यार, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत। चल खींच के, शाबाश, स्माइल के साथ, ये बढ़िया।